क्या आप अब तक की सबसे बदमाश महिला समुद्री डाकू चिंगशिह के बारे में जानते हैं? उनका जन्म 1775 में चीन में हुआ था और वे एक विरूप में काम करती थी। वह 1801 में एक समुद्री डाकू गिरोह में शामिल हो गई और 1807 में नेता बन गई। उन्होंने 300 से अधिक जहाजों और 40,000 पुरुषों की कमान संभाली और किंग राजवंश, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके पास अपने समुद्री डाकुओं के लिए कानून की एक संहिता थी और उन्हें तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करती थी। उसने एक युद्ध में 30 किंग नौसेना के जहाजों पर कब्जा कर लिया और नाविकों को उसके साथ शामिल होने या मरने के लिए मजबूर किया। उन्होंने 1810 में आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी संपत्ति और स्वतंत्रता को बनाए रखा। 1844 में 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। चिंगशिह न केवल इतिहास की सबसे सफल महिला समुद्री डाकू है, बल्कि इतिहास की सबसे सफल समुद्री डाकुओं में से एक है।